हेलो स्टूडेंट वेलकम टू दिस वीडियो स्वागत है आप सभी का अर्धवार्षिक पेपर कक्षण नोवी संस्कृत के लिए इस वीडियो पर हम देखने वाले हैं इसका देखिए पार्ट वन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया जो लोग पार्ट वन नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा आप वहाँ से देख लेना मैंने यहाँ पर देखिए आपके उचित विकल्प चित्वा लिखत सभी आपके ये सही विकल्प जो है आपके मैंने संस्कृत के पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं तो आप जा सकते हैं चैनल पर देख सकते हैं साथ ही मैंने यहाँ पर देखिए उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थान पूरी है रिक्त स्थान में बता दिए हैं ये स यहाँ पर सही जोड़ी जो है युग्म मिलम क्रोत ये, ये सभी मैंने आपको आंसर बता दिए हैं तो आप लोग जल्दी से जाएँ चैनल पर वहाँ से आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा वहाँ से भी इसका आंसर देख सकते हैं अब हमें देखिए प्रश्न क्रमांक पाँच के आगे के जो प्रश्न है वो देखने थे यानी कि यहाँ से हमें प्रश्न आप देखने हैं इनके आंसर देखने हैं प्रश्न छह कह रहा है कभी काम संबोध्यति अथवा में कह रहा है स्वर काका का आखादत ठीक है तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं तो देखिए इसका आंसर देखिए प्रश्न आपका पूछा गया कभी काम संबोध्यति तो इसका आंसर देखिए नीचे दिया गया है इसका उत्तर यहाँ दिया गया है आदश उत्तर में देखिए पहला क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा आपका कभी बाणी संबोध्यती ठीक है तो इसका आंसर ही आपको यहाँ से कर देना है ठीक है ना अगला प्रश्न चलिए पड़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्वर्ण का का आखा ठीक है तो स्वर्ण काका का आखा दात काम अखादा ये बारा दूसरा प्रश्न पूछा है देखिए तो इसका आंसर देखिए यहाँ से हो जाएगा स्वर्ण का तंडुलान अखादा यानी तंडुलान यानी चावल खाद्य उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा है कुंभकार घटान किमर्थ रचयती ठीक है तो कुंभकार घटान किमर्थ रचयती इसका आंसर देखिए तो इसमें देखिए कुंभकार घटान किमर्थ रचयती तो इसमें देखिए प्रश्न है इसका आंसर चलिए देख लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कुंभ कार तो प्रश्न इस का यह आपको दिख रहा है। इस प्रकार से इसको कर देना है ठीक है उसके बाद देखिए प्रश्न सात है जीमूत वाहन कश्य पुत्र आशी ठीक है तो इसका आंसर देखिए हम देख लेते हैं प्रश्न सात का अथवा वाला है ठीक है तो इस प्रकार से तो देखिए इसका आंसर आप यहां से लिख लेंगे जीमूत वाहन जीम, आशी ठीक है तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इस बारे प्रश्न का हमारा कौन सा है ये सातवें गाथा वाला अगला प्रश्न देखिए मानव मानव पुत्र पुत्र सुरक्षित कुत्र, सुरक्षित ठीक है तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं तो इसका आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक है इस प्रकार से इसका आंसर आप कर लेंगे अगला प्रश्न इसमें पूछा है प्रकृति प्रमुख तत्वानी कहानी ठीक है यानी प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं ठीक है तो प्रकृति इसका देखिए ये प्रश्न पूछा है हमसे प्रकृति प्रमुख तत्वानि कहानी तो इसका आंसर अच्छा देखिए मैं आपको बता देता हूं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा देखिए पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशम प्रमुख तत्वानी संति ये प्रश्न हो जाएगा इसका आंसर इस वाले प्रश्न का, का। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं के मधुर के मधु संग्रहण ठीक है इसका आंसर देखिए ये हो जाएगा हमारा ये देखिए यहाँ से मधु करा मधु संग्रह व्याग्रा अव्वल ठीक है तो ये मधु करा हो जाएगा इसमें आंसर ठीक है तो यहाँ से आपको कर देना है मधु करा है। ये वाला हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो हमसे पूछा है ठीक है उसके बाद देखिए अगला है बाला कदा कीर्तुम अगच्छत ठीक है तो बाला कदा कीर्तुम अगच्छत थीके? तो दसवा प्रश्न है इसमें दिए देखिए इसका आंसर हो जाएगा नौवा प्रश्न है ठीक है तो देखिए बाला पाठशाला गमनेन बिलायम कीड़ितम अवश्य ठीक है तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ से कर लेंगे ठीक है उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है लोक रक्षाम कथम संभवती लोक रक्षाम कथम संभवती इसका आंसर देख लीजिए लीजिए इसका आंसर हम देख लेते हैं लोक रक्षा संभवती देखिए इसका आंसर यहाँ से लिख लेंगे प्रकृति रक्षे लोक रक्षाम संभवती ठीक है ये आपका हो जाएगा प्रश्न का आंसर ठीक है जंतवा कैन तुष्यंती जंतवा कैन तुष्यंती चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं जंतवा केन तो, तो इस प्रश्न का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको आंसर दिख रहा है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है ठीक है तो देखिए प्रश्न ग्यारह है हमारा यहाँ से प्रश्न ग्यारह हमसे कह रहा है रेखांकित पदमाग्रत प्रश्न निर्माण करो ठीक है इनमें से आपको जो रेखांकित जो शब्द है इसको देखकर इसका इसमें इसका प्रश्न बनाना है ठीक है जैसे ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसत है तो इसमें बताना है कि इसका प्रश्न कैसे बनेगा ठीक है वृक्षा फलम ना खादंती सूर्योदया तत्वोपस्थित ठीक है तो इसका देखिए क्वेश्चन का आंसर चलिए देख लेते हैं ठीक है प्रश्न क्रमांक कौन सा हमारा ठीक है प्रश्न ग्यारह का जो है आंसर चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर तो देखिए इसका आंसर हम देखते हैं ग्रामीण निर्धना स्त्री अवसर तो इसका हमें इस प्रश्न कैसे बनाना है तो इसका का का आप देखिए इसमें लिख देंगे ग्रामीण तो का ज्योका लिखना है ग्रामीण निर्धन स्त्री की जगह पर लिख देना है का अवसत ठीक है ये हो जाएगा आपका आंसर ठीक है खा वाला देखिए वृक्षा फलानी ना खादंती तो वृक्षा फलानी ना खादंती इसमें है तो वृक्षा की जगह पर लिख देना है कहा फलम ना खादंती ठीक है फलानी नहीं फलम फलम है ठीक है तो कहा लिख देना है ठीक है इस वृक्षा को हटा देना है गा पूछा है आपसे सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्वोप सूर्योदयात की जगह पर आपको लिख देना है कस्मात ठीक है स्मात पूर्वमेव बालिका उपस्थित ठीक है का त्यों कर दे अब देखिए अगला प्रश्न है अधोलिखित तो वाक्या कम, कम प्रति कथित थी मतलब किसने किससे कहा प्रश्न जो पहला वाक्य है पूर्वम प्रात राशा क्रियतम कम कथित थी यहाँ पर देखिए आपको भरना है किसने कहा और कम मतलब किससे किसने किससे कहा यह आपको भरना है तो यहाँ पर कहा कथियती और कम कथियती ठीक है किसने कहा और किससे कहा तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं प्रश्न जो हमारा कौन सा है बारवा इसका यहाँ पर क्या भरना है यहाँ पर क्या भरना चलिए देख लेते हैं ठीक है तो जो यहाँ पर लिखा है पूर्वम प्रातराशा क्रियतम तो ये किसने कहा था ये कहा था, था स्वर्ण काक ने तो यहाँ पर भर लेना है आपको स्वर्ण काक ठीक है यहाँ पर भर लेना है स्वर्ण काका ठीक है और किससे कहा बालिका से कहा ठीक है तो यहाँ पर लिख लेना है आपको बालिका ठीक है उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है पुत्री के न अहम पाप कर्मम करोति ठीक है तो इसमें क्या भरना है इसमें भरना है आपको इसमें किसने कैसे कहा देवीस ने ठीक है देवीस और किससे कहा था मल्लिका से ठीक है तो यहाँ पर मल्लिका आपको भर लेना है ठीक है ठीक है उसके बाद अगला तंडुलान माँ भक्ष्य ठीक है तो और तो उसका क्या है दसवें वाला का इसमें पहले में भरना है अपन को बालिका ठीक है और इसमें भरना है आपको किस किससे कहा था का ठीक है तो इस प्रकार से प्रश्न बारह हमारा कंप्लीट हो जाता है अब देखिए प्रश्न तेरह है अशुद्ध कारक संशोधन क्रोध ठीक है कोई दो करना है इसमें से अशुद्ध कारक संशोधन मतलब जो अशुद्ध कारक है उसका आपको सही लिखना है ठीक है तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं देखिए यहाँ पर देखिए अशुद्ध कारक संशोधनम इसमें देखिए रामह पुस्तकम पठसी इसको आपको क्या करना है इसको कैसे बनाना है इसका आंसर देखिए आप लिख लेंगे यहाँ पर मैं आपको बताते चलता हूँ वाला है हमारा तीर्वे का इसका बनाना है रामम पुस्तकम पठसी है तो आपको इसको शुद्ध करना है ये अशुद्ध लिखा है तो इसका सही हो जाएगा राम ठीक है पुस्तकम पठती ठीक है पठती हो जाएगा आपका खा देख लीजिए खा है हमारा पदे लट लकार अस्ति ठीक है तो इस खा वाला है इसका आपको भरना है तो यहां परिट लकारा ठीक है ये देखिए यहां से देख लीजिए आपको तो यहां से हो जाएगा इतना ठीक है लिट लकारा अस्ति ठीक है अगला देखिए मतलब थर्ड वाला पूछा है इसमें कोई दो करना है वैसे देखिए मैं सभी बता देता हूं तो गच्छंती एक वचन अस्थि तो इसमें गच्छंती की जगह पर आ, तो सही है लेकिन इसमें बस बहुवचन है तो इसमें गच्छंती जो का त्यों लिखना हैचन की जगह पर आपको बहुवचन लिख देना है बस बहुवचनमति ठीक है ना घा देखिये रामीम पुस्तकम पठंती पठंती है इसमें तो आपको लिख देना है रामीम की जगह पर रामा लिख देना है ठीक है ये सही हो जाएगा रामा पठंती ठीक है तो इसमें क्या हटाना है ये रामा रामीम हटाना है ठीक है ये रामा जोड़ देना है तो इस प्रकार से इस प्रश्न क्रमांक तेरह का आंसर हो जाता है प्रश्न चौदह देख लीजिए देख लीजिए प्रश्न चौदह कह रहा है कि प्रकृति प्रत्यम विभागम ठीक है यहाँ पर आपको

ठीक है तो इसमें देखिए आपको भर लेना है यहाँ पर प्रश्न पंद्रह का आपको इसमें भर लेना है प्रश्न पंद्रह में पहले भर लेना है यहाँ पर एतनेन ठीक है यहाँ पर एतनेन भर लेना है पहले में दूसरा पूछा है तपो तपो दत्ता ठीक है तपो दत्ता खालिस्तान वृद्धा प्राप्त तो इसमें देखिए दूसरे में भर लेना है दूसरे में भर लेना है आपको इसमें भर लेना है आपको तपश्चर्या ठीक है उसके बाद देखिए थर्ड देखिए इसमें पूछा है कुंभकारा तो इसमें लिख लेना है घटा ठीक है कुंभकार क्या किसकी रचना करता है घट की रचना करता है गुणा गुड़गेशु गुणा भवंती ठीक है इसमें आपको कर लेते हैं गुणा गुणा तो प्रश्न पंद्रह मैंने बता दिया आपको चौदह का हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे ठीक है इस प्रकार से जितने भी प्रश्न है भी हम सभी आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे पार्ट थ्री हमारा जल्दी आने वाला है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जितना भी वीडियो जो बचा हुआ है आगे के जो प्रश्न है वो आपको पूरे मिल पाए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग